नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार और मंगलवार को हम जो क्लास लेते हैं, उस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कि जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए बैंक में नाम लेता हूँ तो बहुत सारे तो भाग जाते हैं कि अरे बैंक का पढ़ा रहे हैं, तो बैंक नहीं है वो, SSC भी है, रेलवे भी है, सभी प्रकार के। पर जो उसमें क्वेश्चनों का लेवल है बहुत अच्छा रहता है, और जो आज जो क्वेश्चन है वो बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, रेलवे, बैंक, SSC, और आज की तारीख में जितनी भी छोटी एग्ज़ाम्स हैं वो सारी एग्ज़ाम्स बैंक की एग्ज़ामों से पैटर्न चुरा के अपने क्वेश्चन को सम्मिलित करती है, भले वो SSC हो, भले वो रेलवे हो, भले ही वो SI या छोटे पुलिस की एग्ज़ाम हो, या फिर MPTET या CTET की एग्ज़ाम हो, वहाँ पे क्वेश्चन को लाके वो बैंकिंग पैटर्न से लाके लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, अब उन क्वेश्चनों में आज 20 क्वेश्चन हमने सोमवार के दिन पढ़े, मंगलवार के दिन हमारा जो क्वेश्चंस रहेगा वही 20 क्वेश्चनों का रहेगा, और 20 क्वेश्चन की हम अपने ऑनलाइन लिंक भी देंगे। वो जो जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो हमने डायरेक्ट मेल के द्वारा पहुंचा दिया था, दूसरे जो बच्चे हैं उनको तैयारी करने के लिए देंगे हम, पर पहले आप पूरा पेपर सोल्व करना, उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें PDF भी देंगे हम, तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहेगी, बशर्ते आप बिल्कुल तैयारी मन से करिए, दिल से करिए, और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल दिल से पढ़िएगा यहाँ पर। तो ठीक है, तो आज का इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चलिए क्या है 21। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है, और ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। ए और सी की आयु के बीच का अंतर कितना है 5, तो 11 वर्ष बाद ए बी सी की आयु का योग कितना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए ए अनुपात बी जो है वो है 4:5, ठीक, और ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात है, ए व सी की वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9, ठीक है, और ए और सी की आयु के बीच का अंतर कितना है 5, यानी ए और सी के आयु का बीच का अंतर कितना है 5, यानी देखो ए और सी का अनुपात कितना है 8:9 और अंतर कितना है 5, यानी इन दोनों के अनुपात का अंतर कितना हो गया 1, तो 1:5 हो गया 5, 1:5 हो गया तो ए कितना हो जाएगा 8:5 = 40 और सी हो जाएगा 9:5 = 45, तो ए और सी 40:45 हो गया। अब ए अगर 40 यहाँ है तो ए 40 यहाँ पर भी होगा, और ये 40 4 के बराबर होगा तो एक कितने के बराबर होगा 10 के बराबर होगा, एक अगर 10 के बराबर होगा तो ये कितना होगा 50 होगा, तो ए की उम्र हो गई 40, बी की उम्र हो गई 50 और सी की उम्र हो गई 45, ठीक, इनको जोड़ें अपन, इनको अगर जोड़ें तो क्या हो रहा है आपके पास 90 और 45 कितना हो रहा है 135, यानी तीनों की उम्र कितनी होगी 135, पर वो ये पूछ रहा है कि 11 वर्ष बाद ए बी सी की आयु कितनी होगी, तो ये भी 11 वर्ष बढ़ेगा, ये भी 11 वर्ष बढ़ेगा, ये भी 11 वर्ष बढ़ेगा, मतलब 33 साल और बढ़ेंगे तो आपके पास जो उम्र होगी वो 168 होगी, यानी टोटल जो उम्र होगी वो 168 वर्ष होगी। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, सुंदर सा सवाल था, ये चीज़ें बहुत आसान है, उम्र के सवाल ऐसी प्रकार से आते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन। देखो ये अब जल्दी जल्दी में गलती यहाँ पर ये भी हो सकती है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर पहला कौन सा था 135, अब आपने 135 लगा दिया और आगे बढ़ दिया, पर वो पूछ रहा 11 वर्ष बाद टोटल उम्र कितनी थी, तो वहाँ पे गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर 22 वाला क्वेश्चन दिखेगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो दिख रहा है, एक गाँव में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक गाँव ए में पुरुष की संख्या महिला की संख्या से दुगनी है, एक गाँव में ए में, गाँव ए रहा ठीक, इसमें ये हो गई पुरुष और ये हो गई महिला, तो क्या बोल रहा है, एक गांव ए में पुरुष की संख्या महिला की संख्या की दुगुनी है, इसका मतलब होता है महिला ए के तो पुरुष 2 है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, गांव ए और गांव बी में पुरुष का अनुपात 1:3 है, तो गांव बी एक और है, उसमें भी क्या है पुरुष का अनुपात कितना है, दोनों का बराबर है, गाँव ए और गाँव बी में पुरुष का अनुपात 1:3 है, यानी अगर यहाँ पर 1 है तो ये कितना होगा 3, ऐसा बोला उसने, समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे सॉरी एक मिनट रुको, थोड़ा सा बोला गलत उसके, गांव ए और गांव बी में पुरुष का अनुपात 1:3 है, यानी ये 1 है तो ये कितना है 3 है, तो ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 6, सॉरी गलती हो गई, उसने पुरुष का अनुपात, महिला थोड़ी पूछा, पुरुष का अनुपात 1:3 है, मतलब ये अनुपात 3 है, तो ये 2 अगर है तो ये इसका 3 गुना हो 6, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, यदि गाँव बी में महिला की संख्या कितनी है 78, यानी ये 78 है, ठीक, तो दोनों गांवों में कुल जनसंख्या कितनी है 978, तो आपको पता है ये जो अनुपात है ये इसके संगत है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब होता है ये अगर x 1:1 है
ये 2 अनुपात है और ये 6 अनुपात है, तो टोटल कितना अनुपात हो गया? 9 अनुपात। 9 अनुपात, 9 अनुपात जो जनसंख्या है ये हो रही, प्लस 78 कितनी होगी? 978 होगी। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? 2 अनुपात 1 अनुपात और 6 अनुपात, टोटल कितना हो गया? 9 अनुपात और 78 ये हो रहा, तो ये सब मिलकर दोनों गांवों की जनसंख्या हो रही, तो इसका मतलब होगा 9 अनुपात बराबर होगा, 978 में से 78 गए तो कितना बचा? 900, तो 1 अनुपात बराबर होगा 100, और 1 अनुपात बराबर 100 होगा तो गांव ए में महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 100। और उसने यही पूछा है कि गांव ए में महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 100। उत्तर कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से सवाल, ठीक है। चलिए बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बैंकों में, रेलवे में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और अच्छी प्रैक्टिस करना है। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की भुजा की 4 गुना है। एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि को बोलते हैं सी, बराबर है एक वर्ग की भुजा की 4 गुना है। वर्ग की भुजा कितनी है? ए, तो ये कितनी होती है? सी, तो यानी सी बराबर कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना हो? 154। हम आपको बता चुके हैं जब हमने क्षेत्रमिति को पढ़ाया था। देखो हर चीज़ को याद रखना है आपको, जो मैंने आपको चैप्टर बताया। देखिए अपने जीवन है, मैथ्स का एग्जाम देना है, तो आपको क्षेत्रमिति बिल्कुल मैंने जो पढ़ा रखे उन सारे वीडियो को अगर आप रिवाइज करेंगे, वहाँ पर लिख रखें, तो मैं कह रहा हूँ आपको आनंद आ जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको बताया था, ऐसा लिखा था 22, 7 और क्षेत्रफल, यानी ये थी परिधि, ये था व्यास और ये था क्षेत्रफल, ऐसा लिखवाया था मैंने आपको, लिखवाया था और त्रिज्या भी लिखवाई थी। तो आपको पता है 44 अगर त्रिज्या होगी तो व्यास होगा 14 और त्रिज्या होगी 7 तो क्षेत्रफल होगा 154, ये ऐसा मैंने लिखवाया था। आप जाके आज भी देख सकते हैं उन पर जब मैंने व्रत की अवधारणा और व्रत वाले सवाल पढ़वाए थे क्षेत्रमिति, आप देखोगे। क्योंकि देखो एक चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे करोगे तो 22/7 गुणित आर स्क्वायर बराबर 154 ऐसा करोगे, कोई बात नहीं कर लोगे आप, क्योंकि आप होशियार हो। तो 22/7 कितना होता है? 154, तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 तो आर बराबर कितना होगा? 7। अगर ये आर बराबर 7 अगर यहाँ आने में इतना समय और लग रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप ऑफिसर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक एक नंबर में आपका पूरा मेरिट इधर से उधर हो जाता है। थोड़ी चीज़ें तो आपको, और कुछ भी नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई भी नई चीज़ करने की नहीं कह रहा हूँ। जितने भी गणित के मैंने वीडियो बना रखे, मैं हमेशा उल्लेख उन्हीं का करता हूँ, उसमें मैंने ऐसी चीज़ें बता रखी है। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि अलग से चीज़ें याद करने की बोल रहा हूँ, तो ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे उसने क्या बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? 154। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है तो त्रिज्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। अगर त्रिज्या 7 होती है तो उसकी परिधि कितनी होती है? 44 होती है। ये बात आपको पक्की पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि परिधि क्या होती है? 2, पाई का मान 22/7 और आर का मतलब 7, 7 से 7 घट गया, 22 × 44। अरे ये सब याद होना चाहिए, जैसे ही 154 बोला तो आपको परिधि 144 होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। यानी इसका मतलब होता है अगर परिधि 44 है तो ये हो गया 4A। 4A का मतलब होता है 4A 11, तो इसका मतलब होता है A बराबर 11 हो गया। और A का मतलब क्या हो रहा है? वर्ग का भुजा की लंबाई। वर्ग क्या होता है? ये रहा वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? उसने पूछा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर मतलब 121। यही आंसर। सब आप देखो चीज़ें आपको थोड़ी तो पता होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इस सवाल के लिए अगर कलम चला ली, कलम की तोहीन है। मैं तो कह रहा हूँ एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की भुजा की 4 गुना है, कोई बात नहीं हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है और क्या बोल रहा है? तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो परिधि कितनी होगी? 44 है। परिधि अगर 44 हो गई तो वो 4A के बराबर होती है, तो A बराबर कितना हो गया? 11। 1 बराबर 11 हो गया तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121। उत्तर कहाँ कलम चलाने की जरूरत है, इतना सब लिखने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत। अब ऐसा अगर सोच पाए, ऐसा अगर नहीं सोच पाए तो ध्यान रखिएगा फिर हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। समय का तो जंग है, बैंकिंग एग्जाम तो समय की जंग है। पूरे भारत में एक ही एग्जाम है जहाँ पर समय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। 22.5 मिनट में 40 क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 24। आहा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 24। क्या बोलता है? एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। यानी माना कि अंकित मूल्य जो उसका है 100 रुपये, तो 10% की छूट दी तो 90 हो गया, और ये उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। भाई छूट देने के बाद बेच रहा है, वो विक्रय मूल्य हो रहा है, तो ऐसा करने पर उसको 400 रुपये का लाभ कमाया। यानी इसका मतलब होता है इसका जो डिफरेंस है वो 400 रुपये, ठीक। परंतु क्या होता है? यदि उसने वस्तु पर 20% की छूट पर बेचा होता, यानी वही 100 रुपये की चीज़ पर 20% की छूट पर बैठा होता 80 रुपये,
तो उसको जो लाभ प्राप्त होता वो लाभ कितना प्राप्त होता, ए कितना, 330 रुपये का। समझ पा रहे हो मेरी बात? यानी इसका मतलब होता है अगर वो 90% की छूट देता है तो 400 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, और 80% की छूट देता है तो 330 रुपये का प्राप्त होता है। यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 10% का। यानी 10% जो डिफरेंस है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। तो 400 में से 330 गया तो कितना बचा, 70। कितना बचा, 70। तो 10% बराबर 70 है तो 100% बराबर होगा 700। यानी अंकित मूल्य कितना होगा, 700 रुपये। वही पूछा है उसने कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो 700 रुपये। सड़े सड़े सवाल, छोटे छोटे से सवाल है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, 25 नंबर वाला चैप्टर जो है, चैप्टर है ना वर्क एंड टाइम, वो चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं कभी भी उसका उल्लेख नहीं करता, पर जहाँ पर जो चीज़ें जानकारी होगी वो मुझे पता है। देखिए, आपको अगर कहा जाए कि ए एक नल है, टेप है, एक नल है, वो अगर किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, बी एक और नल है उस टंकी को 15 मिनट में भरता है, ठीक, तो बताओ दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 1/10 प्लस 1/15, यानी टंकी का को एक मिनट में भरा गया भाग 1/10, टंकी बी के द्वारा एक मिनट में भरा गया भाग 1/15, तो दोनों के द्वारा एक मिनट में भरा गया भाग 1/10 प्लस 1/15, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। 10 + 30, 15 × 30, 3 × 2 = 5, 5/30, 5/30 मतलब 1/6, 1/6 क्या है, टंकी के द्वारा एक मिनट में भरा गया भाग। तो दोनों नल के द्वारा टंकी का एक मिनट में 1/6 भाग भर देंगे, तो पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा, 6 मिनट। इसका मतलब होता है 6 मिनट में टंकी भरा जाएगी। ऐसा सवाल, मजदूर काम दिवस जैसा ही है पूरा सवाल। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक अगला सवाल है, उसी के बारे में हम बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर कोई नल है, ये नल है, नल अगर एक मिनट में 1/4 भाग भरता है, ठीक, तो पूरा भाग कितने में भरेगा, 4 मिनट में। एक मिनट में 1/4 भाग, तो पूरा भाग कितने भरेगा, 4 मिनट में, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? तो इस प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे आएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे हम जनरली अब बुधवार और गुरुवार को एक टॉपिक लेना चाहते हैं, वो वर्क एंड टाइम का ही रहेगा आपका। चलिए, नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर, कौन सा, 25। अच्छा क्वेश्चन है, एक टैंक में 3 इनलेट पाइप है। इनलेट का मतलब होता है जो अंदर जाते हैं, अंदर ऊपर लगे हुए थे, है ना भाई, नीचे जाने वाले के लिए जो खाली करने वाला तो पेंदे पे लगा होता है, और एक ऊपर पे, तो 3 इनलेट पाइप ABC। सी जितने समय में अकेले इस टैंक को 1/4 भाग भरता है, ए और बी उतने ही समय में इस टैंक के आधे भाग को भरते हैं। माना कि एक्स समय में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, एक्स समय में इस टैंक का जो होता है सी जो होता है वो एक्स समय में 1/4 भाग भरता है, तो पूरा भाग कितने में भरेगा, तो पूरा भाग भरेगा वो 4x में। भाई एक समय की जगह है 10 समय होता है, मतलब 10 घंटों में अगर वह 1/4 भाग भरता है, ठीक है, उसने बोला कि समय समान समय, तो समय क्या है यहाँ पे, घंटे, तो मतलब ये होता है एक्स घंटे में अगर वह 1/4 भाग भरता है तो पूरा समय कितना होगा, 4x घंटे, ठीक। उसके बाद उसने बोला है उतने ही समय में, यानी उतने ही समय में दोनों भरते हैं ए प्लस बी, उतना ही समय मतलब होता है एक्स समय, यानी एक्स समय में वह टैंक का आधा भाग भर देते हैं, तो ए और बी मिलकर पूरा टैंक जो कब भर देंगे, ए प्लस बी पूरा टैंक कब भर देंगे, पूरा टैंक भर देंगे 2x समय में। 2x समय का मतलब होता है 2x घंटे में भर देंगे। इसका मतलब होता है सी द्वारा टैंक को भरने में लगाया गया समय 4x है, और ए प्लस बी के द्वारा टैंक को भरने में लगाया गया 2x है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों अगर मिलकर भरेंगे तो कब भराएगा, 1/4x प्लस 1/2x बराबर है 1/8 घंटे, तो बोल भी रखा है उसने 8 घंटे लगेंगे, ठीक है, हो रहा है। बस इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू आएगी, 4x और 2x का लघुत्तम कितना होता है, 4x, तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ 2x, तो यहाँ हो गया 2 बराबर 1/8, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो x बराबर हो गया 6, x बराबर 6 हो गया, तो c द्वारा कितना घंटा लगेगा, 4 × 6 यानी 24 घंटे लगेंगे, तो आपका उत्तर है 24 घंटे, यानी इसका मतलब होता है सी को अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो 24 घंटे।
बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो अब इसके लिए बहुत सारों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैं मानता हूँ, और उसका कारण भी यही है कि चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं। हाँ, बहुत सारों ने पढ़ रखा होगा तो वो चीज़ें कर लेंगे, ठीक है, ओके, कहीं कोई दिक्कत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 भी हो चुका है आपके कोर्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन। जब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो आपके पास एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है। ए और बी ने क्रमशः 5,000 रुपये और 4,000 रुपये लेके व्यवसाय शुरू किया। तो ए और बी, पेन, 5,000 रुपये और 4,000 रुपये लेकर एक ये क्या किया, व्यवसाय शुरू किया। और जिस समय के लिए ए और बी ने निवेश किया उसका अनुपात क्या है, समय के 4:3। तो इसका मतलब होता है इसने समय निवेश किया 4 और इसने समय निवेश किया 3, ठीक। अगर यूँ देखें तो ये इस प्रकार से कट गया और 4 से 4 भी कट गया, तो यहाँ बचा 5:3। यानी इसका मतलब हुआ कि दोनों ने मिलकर लाभ 5:3 में हो जाएगा। पर लाभ का अनुपात कितना है, 4,800। 4,800 कितने के बराबर है, 8 के बराबर, ठीक। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 600 के बराबर, और एक बराबर 600 हो जाएगा। तो जिस अनुपात में निवेश किया जाता है समय के साथ, उसी अनुपात में प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो 1:600, तो वो पूछ रहा है तो इसमें बी का हिस्सा कितना है, तो 6 कितना हो गया, 1800। तो बी का हिस्सा हो गया 1800 रुपये। चौथा आपका उत्तर है, लगाइए, आगे बढ़िए। बहुत सरल सरल सड़े सड़े से सवाल है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका हो चुका है। नाउ टर्न टू द 27, है ना, दिख रहे हैं आपको क्वेश्चंस, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, 2700 नंबर का आशा ने 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि धनराशि का निवेश किया और 2 वर्ष के अंत में उसे 36,000 प्राप्त हुए। देखिए, 10% की राशि पर 2 वर्ष का उसको अमाउंट के रूप में प्राप्त हुआ 36,000 रुपये। मैं आपको बता देता हूँ, साल में 10% और 2, 10 और 2 कितना हो, 10 दुना कितना हो, 20%, यानी ब्याज कितना प्राप्त होगा, 20%, यानी इसमें कितना समाया हुआ है, 36,000 रुपये। तो ये 36,000 रुपये कितने के बराबर है, 120 के बराबर है, क्योंकि इसमें मूलधन 100 रुपये है और ब्याज कितना है, 20 रुपये, तो 120 रुपये। तो आपका मूलधन कितना होगा, तो ये रहा मूलधन, 0 से ये 0 कटा और उसके बाद 12 एकम 12, बारतिया 36, इसका मतलब हुआ 30,000 रुपये आपका क्या रहा होगा, मूलधन रहा होगा। तो मूलधन आपका कितना हो गया, 30,000 रुपये, ठीक, बात खत्म हो गई। अब उसने पूछा, क्या पूछा, यदि उसने यही राशि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश की जाती तो उसे इस राशि पर 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज कमाया होता, 2 वर्ष के अंत में उसने कितना रुपया कमाया होता, ये बात वो चाहता है। देखो, इसको तरीके और भी हो सकते हैं, पर अभी फिलहाल अपने को फालतू तरीके के पास जाना नहीं, अपने तो यही करना, ब्याज कमाना, ठीक है। ब्याज का परसेंटेज कितना हो गया, 20%। अब आपको पता है कि 20% का 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है 20 × 40 और 20 का वर्ग 400, तो 2 जीरो इधर लगाई और 4 इधर बढ़ाई, 44%। अभी हाल ही में ताज़ा ताज़ा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ाया मैंने, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने अवधारणा एक अवधारणा बताया, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, उसमें जाके देखना, मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा। इसका मतलब होता है ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा, 44%, यानी 100 रुपये का ब्याज 44 हो जाएगा। इसका मतलब होता है 30,000 रुपये का ब्याज 44% हो जाएगा। तो 44 * 3 कितना होता है, 4 * 3 = 12, 4 * 3 = 12 * 9 = 13, तो 13,200 रुपये ब्याज हो जाएगा। लगाइए दूसरा उत्तर और हो जाए। ये तो अपना एक सिंपल सा तरीका था, और भी तरीके बहुत सारे हैं। 30,000 रुपये का ब्याज निकालना है, तो 30,000 रुपये का पहले साल का ब्याज कितना होगा 20% के हिसाब से, 6,000 रुपये। तो दूसरे साल के हिसाब से भी कितना होगा, 6,000 रुपये होगा। 6,000 रुपये जो ब्याज होगा वो तीसरे दौर का। अब 6,000 रुपये का भी 20% के हिसाब से ब्याज होगा, तो वो कितना होगा, 1,200 रुपये। अब इनको जोड़ लो, 6,000 6,000 12,000 और ये वही 13,200। देशी तरीके से करो, परदेशी तरीके से करो, फार्मूले से करो, कहीं पर से भी करो, आपके पास उत्तर बहुत प्यारे प्यारे आएंगे। क्या आप समझ पाए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 2700 वाला क्वेश्चन था। अब आपके पास थोड़ा सा एक मिश्रण का सवाल आ रहा है, बहुत ही सुंदर सुंदर से मिश्रण के सवाल आएंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल आएंगे, देखने में आनंद आएगा इनको। ठीक है, चल रहा है सब कुछ बढ़िया, बेस्ट। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 28। एक बर्तन में 48 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध पानी का 3 गुना है। दूध जो है, देखो ये दूध, ये पानी है, जो दूध जो है वो पानी का 3 गुना है। इसका मतलब होता है पानी अगर 1 है तो दूध कितना है, 3 है।
ऐसा उसने बोला। और टोटल कितना लीटर दूध है? 48। इसका मतलब होता है 48 लीटर जो है पूरा मिश्रण है, सॉरी, तो 48 लीटर तो तीन और एक कितना हो गया? चार। तो चार हो गया तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो भारतीय कितना हो गया? 36 हो गया। ये 12 हो गया, यानी कुल मिला के दूध पानी का मिश्रण 36 और 12 का है। कितने का है? 36 और 12 का है। यदि इस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और 20 लीटर शुद्ध पानी इसमें से मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में पानी और दूध की मात्रा में अंतर कितना होगा? कोई बात नहीं, निकाल देते हैं अपन। 10 लीटर मिश्रण निकल रहा है तो 10 लीटर किस अनुपात में लिखेगा? तीन और एक में, तो चार के अनुपात में। चार से काटेंगे तो कितना होगा? ढाई लीटर निकलेगा। अब ढाई इसमें से निकलेगा तो यहाँ पर एक अनुपात निकलेगा, तो 12 में से ढाई गए तो कितना बचा? 9.5 बचा, बचेगा 9.5 लीटर बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ कितना बचेगा? 36 में से 2.5 जाएंगे तो कितना है? ढाई जाएंगे तो कितना बचेगा? 33.5। कितना बचेगा? 33.5। ये आपका पास बचा है 33, सॉरी नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, ढाई थोड़ी जाएंगे, 7.5 जाएंगे ना, ढाई तीन गुना जाएंगे, 7.5 जाएंगे ना, 7.5 जाएंगे, तो 7.5 जाएंगे तो वो बचेगा 28.5 लीटर। कितना बचेगा? 28.5 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर अब ये स्थिति बच गई, मतलब जब 10 लीटर मिश्रण निकाल के आपने कहीं पर भी किसी को दे दिया तो अब दूध कितना बचा? 28.5। और पानी कितना बचा? 9.5। पर वो ये बोलता है 10 लीटर मिश्रण और 20 लीटर शुद्ध पानी डाल दिया जाता है। अब पानी कितना डाल दिया जाए? 20। यानी इसका मतलब होता है अब 28.5 तो दूध है और इसमें 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है, कितना हो जाता है? 29.5, क्योंकि इसमें अब 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 1 लीटर। और यही सवाल का उत्तर है। उसने पूछा है कि अंत में दूध और पानी के मिश्रण का कितना बचा है? तो 1 लीटर। सिंपल सिंपल सा सवाल। आनंद भयो। ठीक है, चलिए आ जा रहा है दूध पानी में आनंद आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 भी हो चुका है, अब आपके क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29 है ना, चीजें 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही प्यारा सवाल है। चार वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:4 था, यानी चार वर्ष पहले कितना अनुपात था? 5:4। ठीक है, और वर्तमान से एक वर्ष के बाद उनकी औसत आयु x प्लस 22 वर्ष होगी। सवाल को थोड़ा और देखो तो दिमाग खराब हो जाए। देखिए, चार वर्ष बाद उनकी 5:4 है, तो इसका मतलब होता है इसको मान लो 5K और इसको हो गया 4K। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ये और वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5K+4 और इसकी हो जाएगी 4K+4। समझ पा रहा? ध्यान से सुनना, क्या बोला उसने? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:5 था कब? 4 वर्ष पहले। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 4 और बढ़ जाएंगे। ठीक, और एक वर्ष के बाद उनकी आयु, औसत आयु x प्लस 22 होगी, तो एक वर्ष बाद, यानी यहाँ पर x और जोड़ दो और यहाँ पर x और जोड़ दो, ये a की आयु हो गई वर्तमान से एक वर्ष बाद। भाई 4 वर्ष पहले तो 4K और 5K होगी, वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 4 जोड़ देंगे, और एक वर्ष बाद औसत का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। ये बोल रहा है वो x प्लस 22, ये ऐसी इक्वेशन है सर, तो ही आनंद आएगा इसमें। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5K और 4K कितना हुआ? 9K। x और x कितना हुआ? 2x। और 4 और 4 कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8 हो गया। ठीक, बराबर यहाँ होगा 2x प्लस 22 दुना 44, 2x से 2x कट गया। ठीक, तो यहाँ क्या बचा? 9k बराबर 44 माइनस 8, 44 माइनस 8 होता है 36, तो इसका मतलब होता है k बराबर 36/9, मतलब k बराबर 4 हो गया। अगर k बराबर 4 हो गया तो ये हो गया 5×20 की आयु और ये हो गया 4×16 की आयु। अब पूछा क्या है उसने? तो 2 वर्ष पहले a की आयु ज्ञात कीजिए। अब 2 वर्ष पहले मतलब वर्तमान से पहले ही होगी, तो पहली बात तो ये जो उम्र आई है वो क्या हुई है? बी की उम्र, ए की उम्र निकालना। तो ए की उम्र कितनी वर्ष आई है अभी? कितनी उम्र आई है? 2 वर्ष पहले ए की आयु ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आ रहा है 4, सॉरी 40 को लिख दिया, मैं वही कह रहा हूँ यार, साला लफड़ा क्या हो गया। अच्छा 20 हो गया, तो कितनी आ रही है? 20। तो कितनी हो रही है? 5, सॉरी 4 वर्ष पहले
ए की आयु कितनी हो रही है 20 वर्ष, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। हो गई बात खत्म हो गई। पर वो पूछ रहा है कि दो वर्ष पहले की आयु की होती है, तो वर्तमान से दो वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 22 वर्ष, तो आपका उत्तर होगा 22 वर्ष इसका उत्तर होगा। कहीं कोई दिक्कत? बड़ा सुंदर सा सवाल था, दिमाग की पूरे खिड़कियां खोल देता है ऐसे सवाल। ठीक है चलिए और अच्छा समझिएगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 30। ठीक है आपका जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उसमें से आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। दूध और पानी के एक मिश्रण में पानी 25% है। बहुत ही प्यारे बात है भाई, ये दूध है और ये पानी है। अगर ये 25% है तो ये कितना है 75%। इसका मतलब होता है ये एक अनुपात है तो ये 3 अनुपात है। ये कहना चाहता है, वो परसेंटेज की बात है तो ये ऐसे इस प्रकार से कहना चाहता है। तो समझ लो इसको, एक दूध वाला 20 लीटर मिश्रण बेचता है। 20 लीटर मिश्रण अगर बेचता है, इसका मतलब होता है मिश्रण कितना रहा होगा शुरू में 3x तो दूध रहा होगा और x पानी रहा होगा। इसमें से मिश्रण बेच देता है, कितना मिश्रण बेच देता है 20 लीटर सेल कर देता है। तो 20 लीटर अगर सेल करता है तो 20 लीटर भी किस अनुपात में करेगा 3 और 1 4 के अनुपात में करेगा, तो 4 और 5 कितना होगा 20। यानी इसका मतलब होता है वो सेल करने में उसने 15 लीटर सेल करेगा और 5 लीटर पानी सेल करेगा। 15 लीटर तो दूध करेगा, यानी इसका मतलब होता है जो मिश्रण है उसमें से 15 लीटर दूध और 5 लीटर पानी को सेल कर देगा। सेल कर दिया उसने, मतलब एक आदमी एक डब्बी में टंकी लेके गया, टंकी टक 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 टक, ठीक। उसमें से क्या किया, उसने 20 लीटर मिश्रण सेल कर दिया, तो उसमें से दूध 15 लीटर गया और पानी 5 लीटर गया, क्योंकि अनुपात में जो था वो गया। ठीक, अब क्या हुआ, थोड़ा और आगे गया, उसको लगा यार ग्राहक ज़्यादा है आज कोरोना के कारण, है ना। कोरोना में क्या है कि लोग गए, कर्फ्यू लग रहा था तो ग्राहक ज़्यादा है, तो ग्राहक ज़्यादा है तो उसने क्या किया, अपना एक दोस्त मिला, उस दोस्त से बोला क्या तेरे पे दूध है क्या, क्या हाँ यार मेरा बच गया, तो क्या कितना दूध है तेरे पास, कि 15 लीटर, कि ला दे, ये ले लिया। फिर आगे गया, एक हैंडपम्प मिला, उससे भी 15 लीटर दूध और उड़ेल लिया इसने, लो साहब। समझ पा रहे हो, यही कहा उसने, आगे लिखा ना उसने कि और 15 लीटर दूध के साथ साथ 15 लीटर पानी भी मिला देता है। मतलब 20 लीटर मिश्रण बेचने के बाद उसको पता चलता है कि कोरोना के कारण लोगों को दूध की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब जो दूध है उनके कई कारण, तो अपने दोस्त से 15 लीटर दूध ले लिया ना, उसने बोला कि अब थोड़ा सा पानी भी मिला दो, तो उसने 15 लीटर पानी भी मिला दिया। ठीक, ऐसा करने पर अब दूध की सांद्रता पानी की तुलना में 150% हो गई। क्या हुआ, ऐसा करने पर दूध की सांद्रता पानी की तुलना में 150% हो गई। इसका मतलब होता है 150% का मतलब होता है 150%। 150% को लिखूं मैं तो 150/100, 150/100 को मैं करूं तो 50 दिया 75 और 3/2। 3/2 का मतलब ये हो रहा है आपकी तारीख में कि आपके पास 2 में से 3 जो क्या है वो 100 सांद्रता पानी की तुलना में 150% अधिक है। कितने अधिक है, 150% अधिक है। इसका मतलब होता है कि ये अगर आपका पानी है तो 3 उससे अधिक दूध है, अधिक में हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पानी मेरा 2 है तो 3 अधिक 5, ये अनुपात रहेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, 150% अधिक का मतलब होता है कि ये 2 है तो ये कितना होगा, 2.5 गुना। अच्छा 150% अधिक का मतलब होता है 2.5 गुना, 2 का 2.5 गुना 5 ही तो होता है, बस बात ही खत्म। कैसे भी सोचो आप सोचो, ठीक है। और अधिक वाले क्वेश्चन में देखो, मैं बोला, वो बोलता है कि मेरी इनकम उससे 25% अधिक है, तो 1/4, 1/4 का मतलब होता है मेरी इनकम 4 है तो उसकी इनकम 1 ज़्यादा यानी 5 है, उसको बोलते हैं अधिक। ठीक है, इस प्रकार से बस इस सवाल को हल करो। 15 से 15 गया, अब यहाँ पर क्या हो गया 3x, 15 में से 5 गया तो बचा 10, और यहाँ पे बचा x प्लस 10 बराबर हो गया 5/2। इसको अगर यूँ करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 6x बराबर होगा 5x प्लस 50, 6x में से 5x गए तो x बराबर 50, यानी x शुरू में क्या था 50 था। x अगर शुरू में 50 था तो उसने क्या पूछ रहा है, तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, तो 50 दिया कितना था 150, यानी 150 लीटर मूल मिश्रण था और 150 लीटर आपका था भाई, 3 अनुपात दूध था ना शुरू में, तो x बराबर कितना आ गया 50, तो 50 दिया कितना हो गया 150, यानी शुरू में दूध की मात्रा कितनी थी 150 लीटर।
साहब ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे जो लैंग्वेज से संबंधित थे, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप वाले थे, लाभ हानि वाले थे, और इस प्रकार से हमने की। अब आपके सामने जो आएंगे एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं और स्कोर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 आपका हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 71, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 31, अभी चार क्वेश्चन और आपके पास लैंग्वेज के हैं, 31, 32, 33 और 34, चार क्वेश्चन, वो भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अब ये भी आपका मजदूर काम दिवस वाला सवाल है, वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है, वो चैप्टर मैंने नहीं करवाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम, पर जो भी बहुत सारे जो बैंक की तैयारी कर रहे हो तो वो उनको पता है अभी। तो 18 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती है, देखिए वही बात है, 12 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 16 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कुछ नहीं होता है इसमें, 12 गुणित 15 बराबर होता है 16 गुणित क्वेश्चन मार्क, बस ये एक इक्वेशन होती है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब हम बात करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। बात करते हैं 31 क्वेश्चन की, क्या बोल रहा है वो, 18 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती है, मतलब 18 महिलाएं अगर काम करना शुरू करें तो वो 16 दिन में उस काम को पूरा कर देती है, ठीक, बात खत्म हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक तरफ का काम हो गया, ठीक। परंतु क्या होता है, उन्होंने एक साथ शाम शुरू किया और एक दिनों तक काम किया, क्या किया, यानी इसका मतलब होता है इन 18 महिलाओं ने एक दिन तक काम किया। अब एक दिन मतलब 10 दिन 15 दिन 12 दिन कुछ ना कुछ रहा होगा, काम किया। अब उन 18 दिन में एक दिन काम किया और 6 महिलाएं बीमार हो गई, कोरोना हो गया उनको, अब पकड़ के ले गई वो, अब इनको भी क्वारंटाइन में डाल दिया, पर इनको तो फिर नहीं निकला पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 18 महिलाओं ने एक दिन तक काम किया, अब काम पूरा तो नहीं हुआ क्योंकि आगे बता भी रहा है वो, कि बची हुई शेष 12 दिनों में 12 महिलाओं द्वारा पूरा कर दिया गया, यानी 12 महिलाओं ने यही काम बचा हुआ 12 दिनों में कर दिया। इसका मतलब हुआ कि ये काम जो है, ऊपर 18 महिलाएं 16 दिन में काम पूरा कर सकती थी, यानी इसका मतलब होता है 18 × 16, ठीक, ये हो गया। परंतु ये जो काम हुआ वो दो टुकड़े में हो गया, यानी 18 महिलाओं ने एक दिन तक काम किया और बची हुई 12 महिलाओं ने 12 दिन तक काम किया, और ये दोनों का जो जोड़ है इससे काम पूरा हुआ, यानी ये दोनों बराबर है, समझ पा रहे हो, इक्वेशन को मैंने जैसे लिखा वैसा का। 18 महिलाओं के द्वारा 16 दिन में काम किया, तो एक महिला के द्वारा कितने दिन लगेंगे, तो 18 × 16 लगेंगे, ये सवाल ऐसा है, 18 महिलाओं ने एक दिन तक काम किया तो एक महिला को कितने दिन लगेंगे, 18 × 1 लगेंगे, 12 महिलाओं ने 12 दिन तक काम किया तो एक महिला को कितने दिन लगेंगे, 12, ये हो गया। अब इसके बाद ये पूरी इक्वेशन बराबर हो गई, बस यही तो बात है, खत्म, बस हो गया इसको। अब यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, इसका गुणा उणा कर लेते हैं ना, पूरा आप सत्यानाश कर देते हैं, देखिए अगर ऐसा सत्यानाश करेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। पहले सबसे काट लेते हैं, 6 × 18, 6 × 18 और 6 × 12 कट गया, और काट लेते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 से पूरा 3 कट गया और 3 × 12, थोड़ा हल्के हो गए सब ये, अब हल्के हो गए तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा केवल 16, यहाँ बचा x और वहाँ बचा 4 × 8, ठीक, 16 में से 8 गए तो कितना बचा, 8, यानी x बराबर कितना हो गया, 8, यानी शुरुआत में 18 महिलाओं ने 8 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद बीमार हो गई 6 महिलाएं और बचा हुआ काम 12 महिलाओं ने 12 दिन में किया, तो इसका उत्तर है 8, लगाइए, आगे बढ़िए, जय हिंद जय भारत, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से 32 की, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 32 ऑन योर स्क्रीन। एक वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का अनुपात 11:6, बहुत ही प्यारा सवाल है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक, और एक वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4a, मतलब चारों भुजाओं का योग, इसका अनुपात है 11:6, ठीक, कोई बात नहीं। और उसने बोला वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की एक भुजा का योग 26 है, वृत्त की त्रिज्या आर है और वर्ग की एक भुजा ए है, उसका योग कितना है 26, तो बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। क्षेत्रमिति के सवाल करने बड़ा आनंद आता है, अब कुछ नहीं करना, या आर और ए का एक अनुपात आएगा, उस अनुपात से यहाँ पे निकाल लेंगे, जय हिंद जय भारत, हो गया साहब। अब अनुपात के लिए पाई को तो पहले करना पड़ेगा, तो 2 × 22/7 गुणित आर और यहाँ हुआ 4 बराबर 11/6, 11 × 11, 11 × 2 = 22, 2 × 2 = 4, 4 × 4 कट गया, यहाँ बचा 7, तो आर बटे, यहाँ पे ए बी है ना, आर बटे ए
बराबर हो गया 7/6, ये हो गया। 7 और 6 कितना हुआ? 13। इसका मतलब होता है R और A का जो रेशियो होता है वो होता है 7:6। 7 और 6 कितना हुआ? 13। ये दोनों का योग कितना हुआ? 13। तो 13 दुना कितना हुआ? 26। यानी 1:1 बराबर हुआ 2, 1:1 बराबर हुआ तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14। और ये कितना होगा? 6 का 2 12। अगर ये 12 हो गया तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? 12 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। यही उत्तर है। और जय हिंद जय भारत लगाइए, आगे बढ़िए। हो गया, सब पूछा उसने भाई। 6 क्योंकि 1:1 बराबर कितना आ गया? 2। तो त्रिज्या कितनी थी? भुजा कितनी थी? 6। तो 6 दुनी कितना हो गया? 12। छोटे छोटे से सवाल है, देखो इसी प्रकार से सवाल है और इसी प्रकार से समझना है, इसी प्रकार से करना है, तभी आनंद आएगा और आनंद से आपकी घड़ियाँ उड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया आपका। अब आप बात करते हैं 33, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 6 साल पहले बी की माँ और बी की आयु के बीच का अनुपात 7:3 है। 6 साल पहले, आपको पता है ये उम्र वाला सवाल है और मैं करवा चुका हूँ। उम्र वाले सवाल में आप पता है कुछ साल पहले वर्तमान में या कुछ साल बाद कुछ अनुपात दे रखा होता है, और कुछ साल पहले कुछ साल बाद और वर्तमान में कुछ अनुपात दे रखा होता है, उससे और बी की वर्तमान आयु तुरंत निकाल लेते हैं। फट फट। जय हिंद जय भारत। ये सवाल मैंने करवा रखे और कम से कम 4-5 सवाल करवा रखे हैं। वो एक चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो एक्स वाई वाले सवाल हैं उसमें मैंने करवा रखे हैं। आप जाके वीडियो को देखिएगा, आप सोचेंगे कि यहाँ पर अगर मैं सब करवा लग गया तो फिर आपका बेसिक कभी कंप्लीट नहीं होगा और ना ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पास कर पाएंगे। वीडियो को यहीं पॉज करिए और इस प्रकार के क्वेश्चनों को करके आइए, फिर मज़ा आएगा आपको। बहुत प्यारा सवाल है। 6 साल पहले बी की माँ, तो बी की माँ, तो माँ के लिए मदर लिख दूँ मैं और बी लिख दूँ यहाँ पर बी, है ना, कि आयु के बीच का अनुपात 7:3 था। उसके बाद क्या हो रहा है? 8 साल बाद, यानी 8 साल बाद, 6 साल पहले और 8 साल बाद के बीच का अनुपात कितना है? 7:4। तो बोल रहा है बी की वर्तमान आयु क्या है? बी की वर्तमान आयु निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ। तो आपको पता है इसके लिए मैंने आपको बताया था इन दोनों का अंतर, बोलो वर्तमान से 6 साल पहले और 8 साल बाद, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 14। 7 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया? 3। 7 चौक 28 और 7 21 कितना बचे? 7। ये होता है 1:1 के बराबर, और ये 1:1 कहाँ होता है? यहाँ होता है। ये डायरेक्ट याद रखना, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ये होता है 1, ये होता है 2, और इन दोनों का डिफरेंस करके ये होता है 3, और फार्मूला बनता है 1 × 2/3, और ये होता है 1:1 बराबर। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, जाके वहाँ देखिए, मज़ा आएगा। देखिए चीज़ों के जो टाइप के सवाल है, फिर किसी भी एग्ज़ाम ले लो, भले बैंक की ले लो, ऐसे किसी की ले लो, हमेशा ध्यान रख लेना 70:30 का रेशो रहता है, यानी 70% क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के होते हैं और 30% क्वेश्चन नए होते हैं, और सिलेक्शन 70% ही दिए जाते हैं भाई। आपको नंबर 70% ही दे जाते हैं, 30% अगर 70% की अच्छी तैयारी करोगे तो उन 30% में से 300 हो जाएंगे। वो नए नहीं होते हैं, उनका टाइप अलग होता है सर। अच्छा अभी कुछ पूरे पेपर में कोई कठिन सवाल दिखा क्या आपको? कोई कठिन नहीं, ठीक है आप कर लीजिए। 7 × 7 = 7 × 14 = 3 × 6 मतलब 1:6, 1:6 तो उसने बोला बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बी की अनुपात होगा 6 × 3 = 18। 18 क्या है? 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान कितनी होगी? 18 × 6 = 24, तो इसका उत्तर होगा 24 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु होगी 24 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात है वो 6 वर्ष पहले, तो 6 × 3 = 18, तो 6 × 18 मतलब जो होगी वो 6 वर्ष पहले होगी, तो वर्तमान में कितनी होगी? 24। क्या सवाल समझ में आया? बहुत ही सुंदर सा सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल, आ हाँ आनंद भयो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में यात्रा करते समय 200 मीटर लंबी और 255 मीटर लंबी दो ट्रेनें जा रही है। विपरीत दिशा का मतलब होता है एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। एक ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और एक की है 255 मीटर, ठीक। और उसके बाद दोनों रेलगाड़ियाँ 7 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देती है। कितने सेकंड में पार कर देती है? 7 सेकंड में, ठीक। अब उसके बाद फिर वही दोनों ट्रेनें क्या होती है? एक दूसरे से जाती है आसपास। अब डेफिनेटली किसी न किसी की तो चाल ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के समान दिशा में जाती है और कितने सेकंड में पार कर जाती है? 91 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। अब कब पार करेगी? तेज करने वक्त, कोई ना कोई तेज चलेगी, वो तेज चलने वाली जो चीज़ होती है वो पार कर देगी, ठीक। अब एक बात बताइए, अगर ये फास्ट चल रही है, कोई भी एक फास्ट चलेगी, तो आपको पता है ट्रेन जब एक दूसरे को पार करे, विपरीत दिशा में पार करे या समान दिशा में पार करे, ट्रेनों की लंबाइयाँ हमेशा जुड़ेगी, ठीक। यह ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ऑलवेज बी एडेड, ठीक, भले वो सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन। और जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चलेगी तो उसमें जो आपकी स्पीड है वो जुड़ जाएगी,
और जब ट्रेनें एक ही दिशा में चले तो आपकी स्पीड जो है वो घट जाएगी, बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड घट जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखें। तो आपको पता है, ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कि यहाँ पर जो स्पीड होगी, यहाँ जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या होगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहली कंडीशन के लिए। तो स्पीड क्या होगी, स्लो ट्रेन चली और फास्ट ट्रेन चली, उन दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और वो दोनों की दूरी किसके बराबर होगी, दूरी कितनी होगी, 255 और 200 कितना होता है, 455, और 455 कितने सेकंड में पार कर रही है, 7 सेकंड में, तो होगा 7×6 42 और 7×5 35। यानी इसका मतलब होता है, पहली इक्वेशन जो बनी है वो ये बनी है कि स्लो चलने वाली, स्लो मतलब धीरे चलने वाली, और फास्ट मतलब तेज चलने वाली, दोनों ट्रेनों की स्पीड जो है वो होगी 65, और 65 क्या होगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसने क्या हुआ, ये भी मीटर में दे रखा है और ये 7 जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, ठीक। अब फास्ट वाली ट्रेन में से स्लो स्पीड की ट्रेन को, स्पीड को घटा दें, तब वही 450-55 मीटर की दूरी 91 सेकंड में तय करती है, और 91 का मतलब होता है ये 5 बार करती है। इसका मतलब हुआ कि फास्ट स्पीड और स्लो स्पीड के डिफरेंस कितना है, 5, यानी दोनों ट्रेनों की स्पीडों का योग है 65 और दोनों ट्रेनों की स्पीडों का अंतर है 5। तो इसका मतलब होता है, एक की दो 65 और 5 कितना हुआ, 70/2 कितना हुआ, 35। यानी फास्ट जो ट्रेन है वो 35 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है और स्लो जो चलती है वो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। अब उसने क्या कहा, धीमी ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो धीमी चाल कितनी है, 30, और 30 को अगर किलोमीटर पर ओवर में करोगे तो 18/5 का गुणा करना है। बता चुका हूँ मैं, जब भी बड़े में चेंज करो तो बड़ा ऊपर रखो, बड़े में चेंज करो तो बड़ा ऊपर रखो, बात खत्म। 5×30 और 18×6 कितना होता है, 108 किलोमीटर पर ओवर आपका उत्तर है, और लगाइए और आगे बढ़िए। कितने क्वेश्चन हो गए, 34 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन एक दिन करवाए थे, और अच्छे आज थोड़ा सा वीडियो भी लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने 14 क्वेश्चन करवाए, 14 ही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे आपने किए, यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस वाले सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्या कह रहा है सवाल, कि जब दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वो 200 और 255 दोनों की दूरियाँ मतलब होती है 455 की दूरी 7 सेकंड में तय करती है। तो ये हो रही चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 455, समय है 7 सेकंड, और दोनों की चाल, ये एस और एफ इसलिए लिखा कि स्लो और फास्ट होगी, मतलब धीमी चलने वाली और तेज गलने वाली, अब एक्स वाई लिखो कहीं फर्क पड़े बनती, ठीक है। और यहाँ पे फास्ट माइनस एस मतलब तेज गति चलने वाली और एस वाली बराबर 5, बस ये हो गया धीमी, कहीं कोई दिक्कत टेंशन कुछ नहीं। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, 35, क्वेश्चन नंबर 35 ऑन योर स्क्रीन। अब देखो आपके ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, मेरे को तो यहाँ पे मैं अपनी कॉपी में देख के, देखो 6.01 का वर्ग मतलब होता है 36, सन्निकट मान लिखना है, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 14 ये हो रहा है बराबर क्वेश्चन मार्क, -10.99 मतलब 11, ये क्वेश्चन करना है। तो देखो 14×126 और 36 और प्लस 11 बराबर क्वेश्चन मार्क, बस ये उत्तर है, ठीक है। तो 126 और 11 कितना होता है 137, 136 और 136 कितना होता है 173, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया 173, 173 नंबर का पहला ऑप्शन लगाइए, आगे बढ़िए, हो गया साहब 35 वाला क्वेश्चन। क्या करना आप, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अब यहीं पे देख लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 7.01 × 3.99, तो 3.99 को लिखते हैं 4, तो 4×7 तो कितना होता है 28, प्लस 4.09 को 4 और 5.12 को बोलते हैं 5, तो 5×5 कितना हो गया 20 बराबर, प्लस कितना हो गया 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो 28×20 कितना होता है, या फिर 28×12 कितना होता है 40, 40×20 कितना हो गया 60, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया 60, तो आपका ये 60 उत्तर है, 5वां नंबर का उत्तर है, लगाइए आगे बढ़िए। ये हो गया 36, लो अब 37 ले लो, सब ये करवा देता हूँ। 37 वाला क्या बोल रहा है, 6.99 मतलब 7 और 5.99 मतलब कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 6, तो इसका मतलब होता है 7/6 गुणित 17.99 का मतलब होता है 18 प्लस
33.0, 6 3 18, 7 21, 21 और 23 कितना होता है? 21 और 23 होता है आपका 54। 54 दूसरा नंबर का उत्तर है, लगाइए और आगे बढ़िए। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, आपको सब बोर्ड पे दिख रहे हैं, ठीक है। बस अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हो रहा है, 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 11 का वर्ग होता है 121 प्लस 4.99 को लिखेंगे 5, 2.99 को 3 लिखेंगे, 3 का वर्ग होगा 9 बराबर क्वेश्चन मार्क, और माइनस 8 का वर्ग होता है 64। ये हो रहा है पूरा आपका पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इधर आके जुड़ेगा, ठीक है, ये इधर। तो 121 और 5 कितना होता है, 126। 126 में से 9 गए तो कितना बचा, 126 में से 9 गए तो कितना बचा, 117। माइनस को हो जाएगा प्लस 64 बराबर क्वेश्चन मार्क, 64 और 17 कितना होता है, 81। तो इसका उत्तर है 181, तीसरा नंबर का उत्तर लगाइए, आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया 181। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर कौन से, 38। बस दो क्वेश्चन बचे हैं, आ हा, बिल्कुल गंगा नहाया है। और वाकई में ये पेपर है आपको, गणित का पेपर, मेरे को इतना समय लग रहा है सोल्व करवाने पर, आपको ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, 22.5 मिनट में 40 ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 39, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। 14 को लिख सकते हैं यहाँ पे, 14.01 को 14, 16.01 को 16, 16 का वर्ग होता है 256 और उसके बाद माइनस के 220 और उसके बाद बराबर क्वेश्चन मार्क, ये सा सवाल है, ठीक है। तो देखो 256 और 14 कितना होता है, 270। 270 220 में से गया तो कितना बचा, 50। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया 250। यह आपका 39वां नंबर का क्वेश्चन भी हो गया, 250 में से 270 में से 220 गया तो कितना बचा, 50। क्वेश्चन मार्क बराबर 50। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल है। 12.99 को बताएंगे अपन 13 और 5.99 को बताएंगे अपन 6 और उसके बाद बचाएगा प्लस 6.99 को 7 लिखेंगे और 8.99 को अपन लिखेंगे 9 और 9 का वर्ग कितना होता है, 81 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 13 कितना होता है, 78 और प्लस 81 7 कितना होता है, 7 8 56 और 7 567, ठीक है। और 567 और 88 जोड़ो तो कितना होता है, 645, यानी आपका उत्तर है 645। 645 मतलब होता है दूसरा उत्तर, आगे लगाइए और आगे बढ़िए। लो साहब, ओ इति रेवा खंडे, पंचमा अध्याय समाप्त। तो सोमवार और मंगलवार की जो क्लास थी हमारे, उसमें बैंक के पेपर को हमने 20-20 क्वेश्चन को लेकर सोल्व किया। थोड़ा सा इसमें 20 क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए समय चाहिए, और समय था हमारे पास, समय हमने दिया है। तो बस देखो आप, अब ये 40 क्वेश्चन आपको 22.5 मिनट में होना चाहिए, सबसे बड़ी जंग ही यही है। और इस पेपर को एक बार आप करिए, माना कि जैसे अब आपको पता है 3 पेपर करवा चुके हम, 2019 का बैंक IBPS ग्रामीण बैंक का प्री पेपर करवा चुके हैं, 2018 का भी करवा चुके हैं, और ये भी 2019 का या 18 का ऑफिसर लेवल का पेपर है, ठीक है। इसमें मैथ्स के 3 पेपर करवा चुके हैं, तीनों पेपर आपको अगर आधी रात में भी करें तो पूरे 22.5 मिनट में 40 में से 40 नंबर आना चाहिए, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, अपने दोस्तों को भी कहेंगे, और ध्यान रखिएगा बैंक की तैयारी करने वाले और ये 40 क्वेश्चन की तैयारी करने वाले आंखें, वो ध्यान रखिएगा सारी जगह अपना अपना झंडा गाड़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि फिर अगली बार हम मिलेंगे। और अगले 2 दिन तो हमारा वर्क एंड टाइम टेपर चलेगा, उसके बाद सीटेट एमपीटेट, 6 दिन हम बिल्कुल गणित पढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।